हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं ठीक हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स के होटलों में नारियल की चटनी कभी ना कभी आप लोगों ने खाया होगा। तो आज हम लोग नारियल की चटनी ही बनाने वाले फ्रेंड्स अपने घर के ही आसान विधि में। आशा है फ्रेंड्स हमारे ये रेसिपी नारियल का जो चटनी बताने वाला हूँ मैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसमें जो सामग्री यूज होने वाली है वो धनिया पत्ता है, हरी मिर्च, लाल मिर्च और काली सरसों है, भुना हुआ चना है, भुना हुआ मूंगफली है और साथ में हमने दही लिया है फ्रेंड्स। और जो नारियल का पानी निकला हुआ था वो हमने रखा हुआ है इसमें यूज करने के लिए। और साथ में पुदीना है, कड़ी पत्ता है और नारियल है। सबसे पहले फ्रेंड्स नारियल का पिछला भाग जो होता है ब्राउन साइड कलर का वो हमने छील लिया है और छील करके इसे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो पसंद आएगी। और तो फ्रेंड्स हमने नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है और मिक्सी में हमने डाल दिया है। डाल देने के बाद फ्रेंड्स इसमें पुदीने का पत्ता हमने डाला है, साथ में दो हरी मिर्च कटिंग करके डाला है फ्रेंड्स। उसके बाद हरा धनिया हमने डाला है फ्रेंड्स। उसके बाद मूंगफली भुना हुआ, साथ में चना भुना हुआ डाला है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार दही आप डाल सकते हो, हमने 4 से 5 चम्मच यूज किया है फ्रेंड्स। आपका सामग्री जितना होगा उसके अनुसार से आप दही को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स हमारा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें जो नारियल का पानी निकाल के रखा था लिक्विड फॉर्म में वो हमने डाल दिया है और लास्ट में नमक हमने स्वाद अनुसार डाला है। तो फ्रेंड्स इसे ढक्कन लगा करके इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद आप फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका रंग काफ़ी यमी और स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे अलग बर्तन में निकाल कर अलग रख ले रहा हूँ। रखने के बाद फ्रेंड्स इधर हमने तेल गरम कर लिया है और छौंका लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। इसमें काला सरसों हमने डाला है और लाल मिर्ची हमने डाला है, ये दोनों जल जाएंगे तो इसमें छौंका लग जाएगा फ्रेंड्स। हमने छौंका लगा दिया है। उसके बाद कड़ी पत्ता जो आपने देखा था उसे भी छौंका लगाना है, उसे भी हमने अलग से छौंका लगाया फ्रेंड्स। आप चाहो तो साथ में लगा सकते हो, मैंने अलग से यूज किया है। तो फ्रेंड्स ये नारियल की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, आप लोग इसे आनंद ले सकते हो अपने घर पर बना करके। और आप लोग अपने घर पर जरूर कीजिएगा और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।